हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जीएमआर इंफ्रा शेयर के ऊपर। कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आ चुका है, तो हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे और इसके साथ ही हम लोग टेक्निकली लेवल्स के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के बाद इस वीक का भी वीकली कैंडल क्लोज हो जाएगा। तो इन डिटेल में हम लोग बात करेंगे, तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस करके नोटिफिकेशन को क्लिक करके ऑल को भी सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं जीएमआर इंफ्रा शेयर के ऊपर। जीएमआर इंफ्रा के शेयर में आज तकरीबन हम लोगों को 2.3% का एक अच्छा तेजी देखने को मिला। स्टॉक जो है 2.3% इंट्राडे में ऊपर क्लोज हुआ है 39.50 रुपीज के लेवल पे। तो चलिए, इस स्टॉक का रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो अगर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो करंट मार्केट कैप जो है वो इस कंपनी का 23,840 करोड़ का मार्केट कैप है। तो सबसे पहले हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर आपको यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे दिसंबर 2022 में, यानी कि रिसेंट के क्वार्टर में 1,766 करोड़ का आपको सेल्स हुआ है, जो कि लास्ट ईयर बात करेंगे तो 1,364 करोड़ का सेल्स था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंटिन्यूसली हम लोगों को एक अच्छा इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। जून 2021 के क्वार्टर से ही कंटिन्यूसली हम लोगों को यहाँ सेल्स में इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करेंगे तो तकरीबन आपको 29.5% का जंप जो है हम लोगों को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सेल्स में देखने को मिल रहा है। एक्सपेंस की बात करेंगे तो दिसंबर 2021 में 649 करोड़ का एक्सपेंस था, जो कि ऑलमोस्ट आपको डबल हो चुका है दिसंबर 2022 के क्वार्टर में 1,236 करोड़ का एक्सपेंस हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे जो है 530 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट किया है दिसंबर 2022 के क्वार्टर में, जो कि आपको लास्ट ईयर के क्वार्टर में 715 करोड़ का था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में हम लोगों को कंट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 52% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, जो कि इस ईयर सेम क्वार्टर में 30% रह गया है। अदर इनकम की बात करेंगे तो लास्ट ईयर जो है आपको अदर इनकम हम लोगों को नेगेटिव में देखने को मिला था, बट इस ईयर में हम लोगों को 455 करोड़ का अदर इनकम देखने को मिल रहा है। और इसी अदर इनकम की वजह से हम लोगों को यहां पे जो है नेट प्रॉफिट 105 करोड़ का देखने को मिल रहा है। तो अगर यहां पे हम लोग बात करेंगे, अदर इनकम को हम लोग रिड्यूस कर देंगे, जिसमें कि आपको इंटरेस्ट का इनकम है और भी अलग अलग चार्जेज होते हैं, अगर उनको रिड्यूस कर देंगे तो अगेन कंपनी जो है आपको घाटे में ही है, और इसी वजह से हम लोगों को स्टॉक प्राइस पे भी इफेक्ट देखने को मिल रहा है। अब एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट अगर हम लोग बात करेंगे प्रमोटर्स होल्डिंग में या फिर शेयर पैटर्न के होल्डिंग में, तो यहाँ पे LIC ने इस क्वार्टर में वापस से पोजीशन बनाया है। LIC जो कि एग्जिट कर चुका था आपको जून 2022 में, वापस से यहाँ पे आपको एंट्री किया है 1.72% का होल्डिंग जो है आपको LIC के पास है। रेस्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो FIA के पास 27.84% का है, प्रमोटर के पास तकरीबन 59% का है, लेकिन एक जो नेगेटिव न्यूज प्रमोटर के साइड से है, प्रमोटर का शेयर्स यहाँ पे ऑलमोस्ट 60% से ज्यादा प्लेस्ड है, और पब्लिक के पास जो है यहाँ पे 9.05% का होल्डिंग है। तो पब्लिक का होल्डिंग यहाँ पे रिड्यूस हुआ है, DIA का होल्डिंग यहाँ पे बढ़ा है, क्योंकि LIC ने अपने होल्डिंग को बढ़ाया है, और साथ ही साथ FIA का होल्डिंग ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट है, और रेस्ट प्रोमोटर का भी होल्डिंग लास्ट फोर क्वार्टर से कॉन्स्टेंट है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इस स्टॉक के टेक्निकली लेवल्स के ऊपर। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इस स्टॉक के टेक्निकली लेवल्स के ऊपर, तो क्लियरली स्टॉक में हम लोगों को एक कंसोलिडेशन जोन दिख रहा है, जहाँ पे कि कंटिन्यूसली स्टॉक जो है आपको एक बहुत ही नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है। ऊपर की साइड से अगर बात करेंगे तो रिसेंट जो हाई था, जो कि कंपनी ने आपको
नवंबर दिसंबर 2021 में लगाया था, उसके बाद से इस स्टॉक में हम लोगों को कंटिन्यूअसली गिरावट ही देखने को मिल रहा है और स्टॉक जो है कंटिन्यूअसली इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे मंथली बेसिस पे, तो मंथली बेसिस पे जो है स्टॉक में आपको एक अच्छा पैटर्न का फॉर्मेशन हम लोगों को देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिला। 34 के लेवल पे जो है इस पैटर्न का आपको ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद वापस से स्टॉक ने इस रेंज को रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद अगेन इस लेवल पे एक अच्छा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है और वापस से हम लोगों को अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर स्टॉक निकल जाता है तो फिर हम लोगों को इस स्टॉक में एक अच्छा अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। जहां पे कि 44 के लेवल के ऊपर जो पहला इमीडिएट टारगेट रहेगा वो 50 का रहेगा, क्योंकि 50 के पास स्टॉक के पास एक अच्छा रेसिस्टेंस है और 50 के ऊपर अगर निकलता है तो स्टॉक में फिर 75 टू 80 का लेवल यहां पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि नेक्स्ट जो मेजर रेसिस्टेंस आपको दिख रहा है वो 75 टू 85 के रेंज में ही है और अगर एक बार उस लेवल को भी क्रॉस कर जाता है तो फिर स्टॉक वापस से अपने ऑल टाइम हाई के लेवल पे जा सकता है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको कब पोजीशन बनाना है, आपको तभी पोजीशन बनाना है जब स्टॉक यहाँ पे एटलीस्ट वीकली बेसिस पे इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करें, क्योंकि अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आपको ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तभी आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। फर्स्ट टाइम यहाँ पे सेल ऑफ आया, वापस से यहाँ पे बायर्स के अगेन यहाँ पे सेल ऑफ जरूर आया है, बट अगर यहाँ पे बायर्स डोमिनेट कर जाते हैं और 45 के लेवल के ऊपर ब्रेकआउट करने में सक्सेसफुली आपको यहां पे क्लोजिंग दे देते हैं वीकली बेसिस पे, तो फिर आपको डेफिनेटली यहां पे वापस से बुल्स जो है वो अपने पोजीशन को स्ट्रांगली होल्ड कर सकते हैं। डाउनसाइड से अगर बात करेंगे, डाउनसाइड से क्लियरली वापस से एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट हम लोगों को दिख रहा है, जिस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट से कंटिन्यूअसली स्टॉक अपसाइड मूव कर रहा है। तो अगर आपको इस स्टॉक में पोजीशन बनाना है तो अभी आपको वेट करना चाहिए। आपका जो फर्स्ट एंट्री लेवल होगा वो 45 के लेवल के ऊपर होगा और उसके ऊपर अगर वापस से 50 के लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो अगेन आप वहां पे अपने पोर्टफोलियो में क्वांटिटी को वापस से इंक्रीज कर सकते हैं। डाउनसाइड में जो आपका रिस्क रहेगा या आपका जो स्टॉप लॉस होगा, इस ट्रेंड लाइन को आप ड्रॉ करके रख सकते हैं वीकली बेसिस पे, और जैसे ही इस ट्रेंड लाइन के नीचे आपको क्लोजिंग देता है आप यहां पे एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि अगर वीकली बेसिस पे देखेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा है स्टॉक, इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले रहा है। जैसे ही इसका ब्रेकडाउन होगा डेफिनेटली आप यहां से एग्जिट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।